ये मुझे सिखा रहे थे कि मीडिया से कैसे बात करते हैं। भाई मीडिया से मेरा बहुत पुराना याराना है, मेरा नाम ही टीआरपी है ये लोग। ये सही बात है ना मामा, आप ये मूछे उतारो, मऊआ टीवी पे भी नहीं देखोगे आप, है ना। ये तो शुक्र है सुपर डांसर का, इसीलिए मूछों की वजह से दिखते हो मामा। और क्योंकि हम लोग मीडिया के सामने, तो हम थोड़े से इज्जत से पेश आएंगे, प्यार से, अच्छे से। ये यहाँ पर इसीलिए आए ताकि ये हमारे सुपर डांसर का ख्याल, हाल चाल सब कुछ पूछ सके, है ना। ये बात मुझको परसों बताओगे तो पूछ, बोलने का मौका तो दो। तो अर्ज किया है, वाह, हर घर से एक एक मुस्कान उधार लाए हैं। वाह करो, वाह, हर घर से एक एक मुस्कान उधार लाए हैं। वाह, तुतलाती जुबान में बचपन का सारा फ्लेवर उतार लाए हैं। वाह, जो किस्मत को अपने कदमों से मात दे दें, ऐसे डांस के अवतार लाए हैं। बोलो वाह, दैट्स इट। ये हमारे राइटर साहब ने हमें लिख के दिया, हमारा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल What a fantastic performance! Give it up for Kunal Rava, ladies and gentlemen. Re dola, re dola, re dola, re dola. Dula mandula, re do do. Dhak jaane do nazariya, gir jaane do bijuriya. Dola re dola, re dola, hai dola, dil dola, mandula re dola. एक बार इनको नीचे, एक बार बेटा, सिर्फ वो एक बार फिर से ततर ततर करना, पूरी पूरी मीडिया को बड़ा पसंद आया, खड़े रह के करेंगे तुम्हारा ततर 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 ततर। ये दरअसल हम सारे एक्टर्स हैं जो मीडिया सवाल पूछते, क्या दे, क्या जवाब दे, क्या जवाब दे, क्या जवाब दे। माय फेवरेट लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर अनुराग बासु। दादा बहुत स्वागत है आपका दादा, कैसे हो दादा? दादा के लिए जोरदार तालियां बजाओ यार, कम ऑन दादा। सीजन 1 चैप्टर 1 और अब चैप्टर 2, हाउ इज इट डिफरेंट, कैसा लग रहा है? आपने आपने पूरे हिंदुस्तान में से छांट छांट के ये कुछ चंद बच्चे निकाले हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए। व्हाट डू यू फील, हाउ डू यू, व्हाट डू यू थिंक? नौसिखिया था सीजन 1 में, तो अभी सीख गया हूं जजिंग करना। अच्छा, जजिंग करना सीख गए? सीजन 1 में नर्वस था। हाँ, अभी नर्वसनेस चला गया। सीजन 1 में ये परिवार नहीं था, अब ये परिवार बन गया। सो स्वीट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट हमारे टैलेंट के बारे में आपका क्या कहना है इस साल का जो? आपने देख ही लिया झलक, सीजन 1 में भी हमने ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टैलेंट्स इन सीजन 1, इस बार कुछ कमाली हो गया। हम इतना चौके हर एक दिन ऑडिशन के बाद, मुश्किल था बहुत चुनना इस बार, क्योंकि टैलेंट बहुत कमाल थे और पता नहीं कहाँ से सब बच्चे सीख के आते, आपने देखा। और बहुत, मतलब हम लोग बहुत अचंभित रहे। और मेरे पास ढेर सारी कहानियाँ होती थी घर में जाके मेरे बच्चों को बताने के लिए कि साल आज शूटिंग में ये हुआ वो हुआ। इस बार बहुत दिक्कतें आईं, इस बार टैलेंट बहुत अच्छे थे। क्या बात है, क्या बात है भाई। उन्होंने ये जो टैलेंट को चुन चुन के हमारे सामने लाके खड़ा किया है, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर गीता मां। आइए 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 गीता मां, टैलेंट के बाद टैलेंट, अब चैप्टर 2 का टैलेंट शायद दादा जिस तरह से कह रहे हैं, और बेहतर और मुश्किल आप लोगों के लिए। सो व्हाट डू यू फील, इस बार सब कुछ दुगना है? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, नमस्कार एवरीबॉडी। साइज के बारे में भी बोल रही हूँ, खाना दुगना आया है, रोना दुगना हो गया शिल्पा जी का, वो और दुगनी पतली हो गई हैं, बड़ी नहीं है, हम बढ़ गए हैं। और बच्चे, बच्चों की वजह से इस बार पहली बार हमारे बीच में नोक झोंक हुई है, क्योंकि इट्स बिन द मोस्ट डिफ़िकल्ट कलिंग प्रोसेस फॉर अस, जहाँ पे हमको छांटना था और सुपर 12 के लिए हम झगड़ा कर रहे थे कि या तो 16 कर दो, या तो 18 कर दो, या तो 20 ही कर दो, बिकॉज इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू से नो
जब इतना सारा टैलेंट आता है तो हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट रहा वो प्रोसेस. शेर शेर आए है फेरी से मट जाओ तो पहले पड़ता है जेट्टी. काफिया देखें फेरी से मट जाओ तो पहले पड़ता है जेट्टी. प्लीज वेलकम हमारी पर्सनल शिल्पा शेट्टी. हमारी पर्सनल गलत काफिया मिला है मामा. शिल्पा शेट्टी कुंदरा. मुझे बार बार याद क्यों दिलाते हो यार. हेलो मैम. हेलो मामा जी. अरे बाप रे बीपी की गोली है आप लोगों के पास. हाय हाय. बट शिल्पा मैम यू टेल अस हाउ आर यू. आप लंबी क्यों हो गए हो. मतलब पतला तो ठीक है आप लंबे क्यों होते जा रहे हो ज्यादा. व्हाट इज दिस. मैं पीछे बैठ के सुन रही थी. हाँ हाँ मैं आप ही से बात कर रही हूँ गीता. हाँ जो मेरी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे यहाँ पे स्टेज पे कि मेरे इमोशन का जो नल है वो हमेशा खुला हमेशा ही मतलब ऑन रहता है. व्हाट टू डू. लेकिन सीरियसली अगर मैं कहूँ कि मैं सोनी टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस शो को दोबारा से लेके आए और मुझे वापस जज लिया उन्होंने. बिकॉज जो खुशी मुझे मिलती है सुपर डांसर के सेट पे वो मैं बयान नहीं कर सकती. और आई थिंक एक ऑडियंस के भी नज़रिए से अगर देखा जाए तो इट इज़ ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट क्लीन वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट रियल शोज़. ये एक ऐसा शो है जो मैं बेझिझक अपने बेटे को दिखाती हूँ. और एक लर्निंग कर्व सा रहा है मेरे लिए भी अगर मैं कहूँ एज अ मदर. क्योंकि मैं वापस जाके मैं बहुत सोचती हूँ क्योंकि मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिलती हूँ हमारे सेट पे उनके स्ट्रगल्स को देख के और इतने मैच्योरिटी के साथ वो सिचुएशंस के साथ डील करते हैं. इतने मैं अंडर प्रिविलेज नहीं कहूँगी लेकिन बिना या नहीं इतना देयर सो मच ह्यूमिलिटी और बहुत बहुत कम मिला है उन लोगों को. बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं जो जिनके पास भरपूर टैलेंट है लेकिन शायद उस टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए उनके पास या उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं या यू नो शायद समझ नहीं है कि उन्हें किस डायरेक्शन में लेके जाएं. तो इन बच्चों से मिलके और लेकिन उनकी जो उनका जो जुनून है वो बरकरार है. सो इट्स रियली अमेजिंग टू सी कि मुझे लगता है कि शहर के बच्चे जो हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है एंड आई फील दे फील वेरी प्रिविलेज. सो शायद उनमें जो पैशन है वो थोड़ा सा कम दिखता है और शायद वो मेहनत इतना करते नहीं है. तो मैं वापस जाती हूँ एक यू नो मैं वापस घर जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मुझे जो जो मैं परवरिश दे रही हूँ अपने बच्चे को थोड़ा सा मुझे चेंज ओवर लेके आना चाहिए. सो आई हैव ऑल्सो लर्न सो मच ऑन दिस सेट. तो मैं घर जाती हूँ मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ जो टॉयज पड़े हुए हैं उसको उठाओ. यू विल नॉट हैव अ मेड टू पिक इट अप फॉर यू. आई जस्ट फील के यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट. तो मेरे लिए एक सीख है सुपर डांसर के सेट पे. आई हैव इवॉल्व्ड ऑल्सो एज अ पर्सन एंड इट्स बीन द मोस्ट जॉयस जर्नी फॉर मी. इस किस्म का टैलेंट मैंने कभी देखा नहीं है. गीता ने ज़रूर देखा होगा. शी इज़ डन लॉट ऑफ चिल्ड्रन शोज बट आई थिंक इवन गीता वुड ऑल्सो अग्री विथ मी के द टैलेंट दैट वी गेट ऑन आर शोर. मुझे पता नहीं यार कि इनके पेरेंट्स क्या खा के इनको पैदा करते हैं. सीरियसली मैं बुक लिख रही हूँ इस पर. हाय हाय जो रोती है मैडम एकदम दिल खोल के तो पूरी ऑडियंस को जो मजा एक्चुअल इमोशन बाहर निकलते हैं. दादा से अच्छा वर्णन इसका कोई नहीं करता है ना. हाँ दादा अनुराग दा अनुराग मैं बगल में बैठता हूँ ना मुझे पता लग जाता है. हाँ ये इम्पोर्टेंट है. ये अनुराग दा आपको डिस्क्राइब करेंगे. एक चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगी. ये जो गीता जी हैं जो आधा बकेट ये भी रोई हैं और जो अनुराग दादा हाँ बोल रहे हैं कि मैं ही रोती हूँ. मैं कुछ फुटेज दिखाना चाहूंगी लोगों को अगर है यहाँ पे जो ये बकेट रोए हैं. सो ही इज नॉट इट्स नॉट लाइक It's not like they have not got emotional. So I don't know why. Yeah, emotional. नहीं, आपका, तो process जो है. आपका जो process है. वो process अलग है. एक अलग से process है और ये जो सबसे convenient. मैं show के लिए बनी ही नहीं हूँ. मैं ना मैं गाली देती रहती हूँ रंजीत को. रंजीत जब भी मैं रोती हूँ ना रंजीत का expression देखने लायक है. Yes, yes, yes.
ठीक होगी. बट मैं आप लोगों को अगली बार बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा घर बैठे बैठे कि शिल्पा मैम अब रोने वाली है. दादा प्लीज, दादा प्लीज. शिल्पा शिल्पा के बगल बैठते मुझे पता लगता है कि शिल्पा भी रोने वाली, तो शिल्पा के पहले ऐसे पैर हिलने शुरू होते, फिर वो कुर्सी को ऐसे पकड़ना शुरू करती है ऐसे. यू कैन फील द वाइब्रेशन. अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है आंखों की तरफ, फिर ऐसे इधर ऊपर आता है, फिर ये इसके नीचे के जॉज हिलते ऐसे कुछ करती है, और उसके बाद यहाँ से पहले आंखों से निकलते हैं पहले आंसू, उसके बाद नाक से निकलते हैं. और नहीं, जब बहुत इमोशनल हो जाती है वो टिश्यू लेकर फिर बाद में, और टिश्यू जो है आंखों से पहुंच के सामने रहती, नाक वाले मेरी तरफ फेंक देती है. तो वो ऐसे प्रोसेस. और वाकई आपको लगता है कि यार, क्योंकि ये बहुत जल्दी ना कुछ भी होता है, अभी मुझे लग रहा है ये यार गलत सूट छिड़ गया ये बच्चे ने, अभी हम भी वीक कंट्रोल विद शिल्पा नहीं कर पाती. और शिल्पा अधिकतर वक्त कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है क्योंकि मुड़ जाती है पूरा फुल, और वो टर्न कर जाती है उल्टा. जब वो मुड़ रही होती है तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. जहाँ पर जजेस बैठते हैं उनके डायगनल कोने में हमारे जो क्रिएटिव्स हैं, हमारे जो मेकर्स हैं शो के, वो सब बैठते हैं पीछे. आशीष को गाली देते, आशीष सर सारे सब लोग वहाँ पे बैठे रहते. तो ये शिल्पा मैम होती है यहाँ से पलट के, ये रोते हुए पलटती है. लेकिन एक बात ये है, एक शो के बारे में कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी शो किए हैं, लेकिन इस शो में ना एक अच्छी बात ये है क्योंकि ये वाइब इतना अच्छा है क्रिएटिव टीम का, चैनल का, ऐसे बच्चे कम रोएं, हम रोएं. हाँ, ये बात और बच्चे नहीं रोते हैं, पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है. आई थिंक ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, ये जो पीछे बैक स्टेज में जो क्रिएटिव टीम होती है सब होती है, जो पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, वो कुछ ऐसे बना देते हैं कि वो बड़े स्पोर्टिंगली लेते हैं पूरे शो को, और ना धोना जीतना हारना नहीं करते, तो हमारा काम थोड़ा कहीं आसान हो जाता है. और कहीं पे भी ना इस पूरे रियलिटी शो में फिक्शन नहीं है. You're right, sir. मैं अभी वही कहने वाला था. हाँ, तो वो जो है ना, ये आई थिंक ये इस शो को ना अलग बनाती बाकी शो. एग्जैक्टली. आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी शोज हमने इतने सालों से किए, सबसे ऑनेस्ट शो अगर कोई है, सबसे ऑनेस्ट पैनल अगर कोई है तो आप तीनों का है, क्योंकि कोई परख नहीं है. जो दिल पे है वो जुबा पर है, वो आंखों में है. दैट्स एग्जैक्टली हाउ ऑनेस्ट. और क्योंकि वो शो इतना ऑनेस्ट है, इसीलिए आप लोगों को सीजन वन में दिख गया, सीजन टू में भी दिखेगा, चैप्टर टू में भी दिखेगा. सबसे ऑनेस्ट और भूखा पैनल. अच्छा, चूंकि मैंने बोला है तो मेरे को भी बोलो, बोलिए. हाँ जी, आप बताइए. ये मुझे कभी कभी ऐसे लगता है जब मैं जज कर रही हूँ कि ये डांस शो नहीं, ये कोई खाने का शो है, क्योंकि सारे बच्चों को बताया गया है और उनके फैमिलीज को बताया गया है, देखो लीवर को अगर मैं ऊपर करूँगा इसके कुछ क्लॉजेज हैं. तो सडनली पता नहीं डोसा आ रहा है, और फिर कचोरियाँ आ रही हैं, और फिर कानपुर से पता नहीं और क्या क्या कुछ है, क्या कुचरू पुचरू, व्हाट इज दैट यू आस्क फॉर, बंगाली स्वीट्स आ रहे हैं, और पूरा मतलब वो जो टेबल है ना, वो हमारे शीट से कम, वो बुफे टेबल हो गया है अभी. ये बात भी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, सारे जगह से बच्चे आते हैं, और मतलब हम बोल देते सबको, यार अभी देखो उड़ीसा से आया था, उसको बोला छेना पोड़ा लेके आने, छेना पोड़ा, ये देखो मतलब हर जगह से अलग अलग, हर जगह से अलग अलग खाने का सामान मंगवाया जाता है, इंदौर से सेफ तो मिल जाता है, ओरिजिनल मिल जाता है, उस शहर का मिल जाता है. 150 बच्चे आए थे मेगा ऑडिशन में, बाकी 100 लोग सिर्फ खाना लेकर आए थे कि काश शायद एंट्री मिल जाए. शायद आर यू लुकिंग सुपर हॉट सुपर गॉर्जियस. बिफोर आई आस्क यू एनीथिंग, यू नो व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल डूइंग दिस शो, यू नो जब आप दूसरा शो दूसरा करते हैं, एपिसोड करते हैं, कोई यू नो कोई एक ऐसा शो जो पहले ही बहुत कामयाब हो गया और उसके बाद में जब सेकंड पारी खेलते हैं, तो क्या किन चीज़ों का ध्यान रखा और क्या खास होगा, और व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल वर्किंग ऑन सुपर डांसर 2? मैं हिंदी में जवाब दूं कि मैं इंग्लिश? आपकी इच्छा है मैम. इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज आई हैव जज्ड मेनी अ डांस शोज, लेकिन इस शो पे खास तौर पे सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए ये रहा है कि बच्चों को जब हम लोग वापस भेजते हैं रिविजन के लिए, क्योंकि हम रिजेक्ट वर्ड का कभी इस्तेमाल नहीं करते, टू मेक श्योर के हाउ वी कैन एक्चुअली इनकरेज देम एंड उनके पैशन को बरकरार रखते हुए हाउ टू टेल देम टू यू नो होन देयर टैलेंट अ लिटिल मोर, वो सबसे मुश्किल पार्ट होता है. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वी हैव काइंड ऑफ स्कोर्ड पॉइंट्स बिकॉज पिछले सीजन के कुछ 4-5 बच्चे इस सीज़न में वो वापस आए और इस सीज़न में चैप्टर 2 में वो सिलेक्ट हो गए हैं. तो वी मस्ट हैव डन आ जॉब टू सम एक्सटेंट बिकॉज बहुत मुश्किल होता है एज ह्यूमन बीइंग्स टू से नो टू अ चाइल्ड हु इज़ सो टैलेंटेड, क्योंकि जो आए हैं
इस बार सिलेक्शन के लिए ऑडिशंस के लिए. इट्स बिन इनक्रेडिबल टैलेंट. तो दैट इज बिन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू से नो. आई थिंक कुछ 25 बच्चे थे मेगा ऑडिशन से पहले एंड टू गेट देम डाउन टू 12 फॉर द सुपर 12 दैट वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर अस. प्रोमो वेयर विद अ स्पेशल ग्रुप फॉर अ किड यू नो वेयर ही इज नॉट ही हिमसेल्फ इज अ स्पेशल वन यू नो. जिस वक्त वो एपिसोड शूट किया एंड देन यू केम टू नो कि ही इज द गुरु द स्पेशल गुरु यू नो व्हाट वाज योर रिएक्शन. एंड गीता मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्या मतलब एक एकदम अद्भुत था वो एक गुरु और अलग तरीके से सिखाना एक एक ऐसा गुरु जो शायद हमने किसी ने भी नहीं देखा होगा. व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन यू नो बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री बीइंग अ कोरियोग्राफर और शिल्पा बीइंग एन एक्टर बीइंग एन आर्टिस्ट. सो व्हेन ये सोनी टीवी वाले ना वो पूरी बात हम लोगों को बताते नहीं है तो दे सेड अच्छा ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो हम लोग बैठे हुए थे तो वो जो गुरु थे वो बैठे हुए थे तो हमने देखा नहीं कि यू नो ही वॉज हैंडीकैप्ड इन अ वे. तो ऐसी जब बच्चे ने परफॉर्म किया तो वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने गुरु ने. तो मैंने गीता की ओर देख के मैंने कहा कि ओहो यहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं गुरुजी होंगे या कोई फैमिली मेम्बर होंगे. तो जब हम लोग स्टेज पे गए तो ये बस बात बोल के क्योंकि वी सी अ लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स गेटिंग इमोशनल. तो हम लोग स्टेज पे गए और जब उनका नाम अनाउंस हुआ और हमने पूछा बच्ची से कि आप अपने गुरु को बुलाइए स्टेज पे तो वो उठ के जब आए तो मेरा दिल ना बैठ गया और मैंने गीता की तरफ ऐसे देखा एंड आई फेल्ट सो बैड एज अ ह्यूमन बींग के मैंने मजाक उड़ाया उनका और वो ऐसे आए. तो इट वॉज़ अनबिलीवेबल. मैंने कभी इस लेवल का डेडिकेशन नहीं देखा. और जो गुरु और उस बच्चे की जो साझेदारी थी वो बहुत ही प्यारी साझेदारी थी एंड इट वॉज़ रियली वेरी हार्ट रेंचिंग एंड हार्ट वार्मिंग. गीता व्हाट डिड यू हैव टू से अबाउट दैट एंटायर इंसिडेंट. एक्चुअली उस दिन पैर हिलना शुरू हुआ था. हाँ ये शुरू हो गया ना रोने लग गए. हाँ ऑलमोस्ट शुरू हो गया था. शुरू हुआ वो तो शुक्र है यहाँ कुर्सी नहीं है. आ रहा है ऊपर आ रहा है बस इमोशन. और एक मिनट बात करना था उसे बस हो जाता फिर शुरू हो जाता. बट आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम हम तीनों को उस मंच पर हम एक दूसरे को देख कर हमें ऐसा लगा और उनको देख कर ऐसा लगा कि हम वाकई में ज़िंदगी में बहुत कम हैं क्योंकि वी क्रिब अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम हर चीज़ को लेके हम हमेशा नाखुश रहते हैं. ये और ज़्यादा होता तो ये हमारे पास होता तो एंड देन देर इज़ दिस पर्सन ना होते हुए भी सब कुछ था. सो आई फेल्ट एक्सट्रीमली हम्बल्ड एंड टोटली. एक होता है कि एक आई ओपनर होता है आपके लिए कि देख लो ज़िंदगी में कोई चीज़ की कमी आपको बड़ा काम करने से रोक नहीं सकता. एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट दैट पर्सन थॉट अस दैट डे. सो I went home with a very big lesson that day. अभी खबरें थी सर हमने जाना भी पिछले दिनों हादसा हुआ था सुपरस्टार के सेट पे तो अभी शूटिंग वहीं पे होगी सारी. और कैसे रिकवर किया और क्या स्थिति थी? थैंकफुली जब वो हादसा हुआ तो हमारा ऑडिशन जो हो रहा था वो ख़त्म हो चुका था थर्सडे. ये सैटरडे को इंसिडेंट हुआ और अभी हम हमारा सेट बन रहा है फिल्म सिटी में. वी विल शूट from Gala 1 onwards in Film City. Shilpa, I would like you to share your sentiments. You know, you're originally from Chembur and ye RK Studios mein ye hadsa hua. So, you know, what was your reaction and how did you, you know, what was the sentiment that you went through after you heard about the tragedy? See, you know, we filmed at RK the entire last season and when we came this time it was like a homecoming. It had literally become our abode. And a day before that we had just finished with the mega auditions. So it has actually shaken the entire team and I consider myself part of this super dancer family. It was very hard. Maybe we are not expressing it, but I believe in life we have to view things with positivity and it has definitely shaken up the team. Lekin is baat ki khushi hai hame ki there were no casualties. I think to
you know, have casualties on a set and then move on in life with that is a bigger load to live with. So when you lose a set, I'm sure that can be erected and it can, you know, damage control can be done there. But when you lose a life, God forbid, or, you know, you see someone hurt, that is irreparable. So I just thank our lucky stars that we don't have to, you know, carry that baggage. A big congratulations to all of you. This is Simran Singh from Book My TV. Mera sawal aapse hai, Shilpa ji, ki Geeta ji ne kaha ki this is the first season jahan pe, you know, aap dono ke beech mein behas hogi because of selection process. Yeah. To janna chahte hai ki dada ka kya role raha hai usme? Matlab aisa kabhi hua ki dada ke saath bhi behas hui hai ya unhone mitane ki koshish ki hai? Please highlight on that. Nahi karoge. That's a really interesting question that you asked me, because bahut sare log poochte hain mujhe ki how is that, you know, that y'all don't have arguments. And ye jaiz si baat hai kyunki hum teeno alag log hain, hum logon ka nazariya alag hai, nazariya alag ho bhi sakta hai, it's normal, right? So I just think that the beauty about our relationship and about this super dancer panel is the fact that we're okay with disagreeing and we still respect each other's opinion, and I think that's a very important quality. तो इस बार आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ कि सुपर डांसर चैप्टर टू में गीता और मुझे एक डांसर बहुत अच्छा लगा और अनुराग दादा को अच्छा नहीं लगा एंड ही रिजेक्टेड दैट नॉट रिजेक्टेड ही सेंट द डांसर होम फॉर रिविजन और फिर मुझे और अनुराग दादा को अच्छा लगा कोई और फिर गीता को अच्छा नहीं लगा और फिर ऐसा हुआ कि अनुराग दादा और गीता को अच्छा लगा और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि ये दोनों समझते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और ये लोग भी समझते हैं बट मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा एडेड ओनस सा आ गया है बिकॉज एक बेंचमार्क सुपर डांसर वन ने चैप्टर वन ने सेट किया है तो इट यू हैव दैट एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइक आई सेड बिफोर मैं वापस दोहराऊंगी कि इस सीज़न में इस चीज़ को देख के कि जिन बच्चों को वापस भेजा गया था पिछले सीज़न में रिविजन के लिए इस बार और बेहतर होके ज़्यादा मेहनत करके इस बार आए हैं और इस बार सिलेक्ट हो गए हैं दैट काइंड ऑफ अप्ड माई कॉन्फिडेंस टू बी ओके विद सेइंग नो टू अ चाइल्ड सो या देयर आर ऑलवेज डिस्कशंस बट नो मैं आपको समझ गया हूँ आप ये पूछना चाहते हैं मेरी चलती है कि नहीं मेरी नहीं चलती है सच अ लायर अनुराग की नहीं चलती है नहीं चलती है किस मामले में नहीं चलती अच्छा ठीक है ओके ओके नहीं नहीं अब बता दो किस मामले में नहीं चलती दोनों में से कौन ज्यादा दबाती है कौन दोनों में से क्या दोनों में से कौन ज्यादा दबाती है जिनका वजन ज्यादा है अंडर प्रेशर दैट यू कांट डू दिस नो वन कैन से एनीथिंग टू एनीवन वी नो दैट आल्सो जिसका वजन ज्यादा है शिल्पा से डरता हूँ शिल्पा से छुप छुप के खाना पड़ता है हम सब डरते हैं इनसे इनकी नजर हर किसी के खाने पे रहती है खाने के लिए नहीं रोकने के लिए एंड आई थिंक जो और एक चीज अच्छी हुई है जो एक अच्छी चीज हुई है कि हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए थैंक्स टू शिल्पा वी बिकम हेल्थ एटलीस्ट आई हैव एंड ये अटेनेबल बाकी लोगों के लिए होगा मेरे लिए तो नहीं है बट आई वांट टू बी हेल्दी एंड दैट्स समथिंग दैट शी गॉट आउट ऑफ इट इज इंपॉसिबल हेलो सुपर डांसर 2 में आ जाओ माय क्वेश्चन इज शिल्पा जी एंड गीता जी कैन यू टेल मी द डांस का फॉर्मेट चेंज होता है दिन भर दिन चेंज होते जा रहा है कैन यू टेल मी व्हाट इज लाइक यू नो पहले डांस अलग था अभी मोर ऑफ एरोबिक्स है डांस में इन रियलिटी में कैन दिस थिंग कैन कम इन मूवीज एंड ऑल आई थिंक परिवर्तन जिंदगी का नियम है यू कांट हैव द सेम स्टफ दैट यू हैव सीन अभी मेरे पिया गए रंगून आप अभी आज के ज़माने में तो वो कर नहीं सकते तो ऑब्वियसली यू हैव टू इवॉल्व एंड यू हैव टू यू नो वेलकम न्यू डांस फॉर्म्स एंड आई थिंक सुपर डांसर का जो प्लेटफॉर्म है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आई हैव ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो डांस स्टाइल्स तो कभी कभी मैं गीता की ओर देखती हूँ मैं बोलती हूँ ये क्या किया उसने यू नो दिस ट्वर्किंग एंड क्रम्पिंग एंड आई मीन दीज थिंग्स आई नेवर इवन हर्ड ऑफ दीज थिंग्स टिल 10 years ago और 5 years ago ये सारे नए डांस स्टाइल्स हैं एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक सो मे बी 30 years ago यू मस्टंट हैव हर्ड ऑफ ब्रेक डांसिंग राइट और 40 years ago लेकिन ब्रेक डांसिंग एक्सेप्ट हुआ अब ऐसे ही यू विल सी ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ डांस स्टाइल्स I don't think it's aerobics.
एंड आई थिंक हम लोग खास तौर पे सुपर डांसर के सेट पे इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि अगर इफ़ इट्स ओनली एरोबिक एंड इफ इट्स ओनली लाइक कार्टव्हील्स एंड इफ इट्स जिमनास्टिक्स और डांस नहीं है उसमें तो वर्सिटैलिटी होगी नहीं एंड दैट विल नॉट मेक अ सुपर डांसर इट वोंट मेक अ कंप्लीट डांसर सो हम लोग बहुत ध्यान देते हैं इस चीज़ को लेकर पुरानी कहावत है कि पूत के पांव पाले में नजर आ जाते हैं लेकिन मुझे लगता है अब शायद कहावत होगी पूत के पांव सुपर डांसर में नजर आ जाते हैं एकदम सही बात क्योंकि जिस तरह का टैलेंट इसमें पिछले साल हमने देखा तो लग रहा था कि शायद इतना हाइट पे पहुंच गया है पहले इतना शिखर पे पहुंच चुका है एक तरफ इतना अच्छा टैलेंट और इतने एक तरफ इतनी अच्छी इनकी जो त्रिकोणी जोड़ी है त्रिकोणी है त्रिवेणी है तो इससे इतना अच्छा प्रोग्राम ये बन गया है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि जब आप पिछली बार भी इसका रिजल्ट देख चुके हैं जब पहली बार जब पिछली बार कपिल के शो पे हमने इसका प्रोमो देखा था तब भी हम चौंक गए थे आज फिर दोबारा चौंक गए और एक खुदा वाले जोड़ी ने तो बिल्कुल ही एक खुदा कर दिया तो क्या आप इसको हमेशा अपना एनुअल प्रोग्राम बनाना चाहेंगे जिस तरह की आप देख रहे हैं इतना अच्छा रिस्पॉन्स है और हर साल इतने अच्छे बच्चे आ रहे हैं एनुअल इवेंट की तरह इसको करना चाहेंगे प्लीज़ करो सर आप सर थैंक यू वेरी मच ये सवाल पूछने के लिए इस सवाल का जवाब हम भी जानना चाहेंगे जी थैंक यू एक सवाल मेरा शिल्पा जी सर इनका जवाब तो मिलने तो क्या बात कर रहे हो यार रुको एक मिनट इनके जवाब में हमारा बहुत कुछ छुपा है सर रुक जाओ एक मिनट रुकिए सर आप पांच लोग अटके पड़े हैं प्रदीप जी आपने सही कहा इस बार का टैलेंट लास्ट सीजन से भी और ज्यादा अच्छा है और उसका श्रेय सारी टीम को जाता है और जजेस को जाता है जिन्होंने वो चुन के हीरे निकाले हैं और अगर इसी तरह से हमें टैलेंट मिलता रहा तो हम ये शो कई बरस चलाएंगे दानिश ने पहले कहा था हमारे नेटवर्क पे ऐसे शोज़ हैं जो एक शो 20 साल से चल रहा है एक 13 साल से चल रहा है एक 9वें साल में है केबीसी 7 साल से है इंडियन आइडल के 8 सीज़न 14 साल और 8 सीज़न हो चुके हैं तो ये तो अभी इसका ही है अभी तो शुरुआत हुई है आप क्या बात है जोरदार तालियां इसी बात पे और मैं अभी जैसे थैंक यू सर मैं अभी शिल्पा से भी बात कर रहे थे हम पहले शिल्पा जब कहती है सुपर से ऊपर तो सुपर जब लगता है तो क्यों ना इसको सुप्रीम डांसर किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा इससे ऊपर कुछ है नहीं सुप्रीम डांसर हो तो ज्यादा अच्छा है सुपर डांसर ये टाइटल हमें हमारे हम लोगों के लिए बहुत सूट कर गया है तो हम इसे इस ना इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहेंगे ना किसी मोमेंट को ना किसी जज को ना किसी टेक्निकल टीम को आई जस्ट थिंक एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर सो आई लव सुपर डांसर नथिंग शुड चेंज अबाउट दिस शो यस यही बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बोली कि ऐसा पहली बार इस चैप्टर में हुआ है जहाँ पे कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं बच्चों को लेकर लेकिन मुझे लगता है इसलिए इस वजह से हुई है क्योंकि बेंचमार्क इतना हाई रहा है इस शो के लिए और हमारे लिए कि और तीनों का नज़रिया जायज़ सी बात है कि डिफरेंट होंगी तो आई जस्ट थिंक दैट द ब्यूटी अबाउट दिस entire equation between the judges is that we have mutual respect for each other और इसमें मतलब कोई बुरा लगने वाली बात है ही नहीं कि अगर उनको कोई बच्चा अच्छा नहीं लगता है या नहीं लगता है कि अगले पड़ाव तक जाना चाहिए ये इनका नज़रिया है और उसे बैकअप करने के लिए इनके पास लॉजिक है और रीज़न है तो वी आर ओके विद दैट एंड वाइस वर्सा तो इसमें बुरा लगने वाली बात है ही नहीं बिकॉज वी आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स गेटिंग the best super dancer for the show.
नहीं देखिए, लखीमपुर से लेकर कानपुर से लेकर कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं, और सब बच्चों जिस क्वालिटी ऑफ डांसिंग है, गीता आपको बताएगी, वो इतना अच्छे से उस छोटे से शहर में ऐसा सब सीख रहे हैं। हम तो देखिए, हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि जब हमारे पास जब आते हैं, मतलब शॉर्ट लिस्ट से जाते हैं, टीम जाती है, ढूंढती है, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ और भी बच्चे रहे होंगे, इतने बच्चे तो, और जिस तरह से स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे पॉकेटों में, छोटे छोटे डांस क्लासेस में, इट्स अमेजिंग मुझे। और कभी कभी मैं विदेशी डांस शोज देखता हूँ, कभी रियलिटी शोज देखता हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे बच्चे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। आई थिंक हम लेकर जाने वाले कोई नहीं है, बच्चे आ रहे हैं वो सब लेकर, दे कम विद एन इंटेंशन ऑफ बीइंग बेटर देन द अदर्स। तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है उनको कि आओ यहाँ पे अपनी किस्मत भी आजमा लो और कुछ सीख कर भी चले जाओ। बट आई टोटली अग्री विद दादा कि ऐसे छोटे छोटे कस्बों से बच्चे आए हैं, अनबिलीवेबल है हमारे लिए। एंड लाइक शी ऑल्सो मैंशनड अर्लियर, शिल्पा जी ने ये कहा था कि शहर के बच्चे शायद थोड़े से लेड बैक हो गए हैं और दे टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट दे हैव एवरीथिंग, क्या ये ज़रूरी है। वो बच्चे बड़े सपने लेके आते हैं एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग टू वॉच ऑन दिस शो। एंड मैं चाहूँगी कि जो बच्चे यहाँ से निकलें वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाए और वो कहें कि वी आर गेटिंग इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड दे आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। So that is our dream, I think, to see them on an international platform now. Thank you so much. Thank you.